हेलो हैलोन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अपने अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर के बारे में जगह अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर कैसा होता है कितने मार्क्स का आता है चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं आपका एग्जाम ऑलरेडी मार्च में होने वाला है जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रीवियस फाइव ईयर के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करने हैं क्योंकि आसाम एजुकेशन काउंसिल जो है वो बेसिकली क्वेश्चन रिपीट करता है ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे देखिए फुल मार्क्स हंड्रेड है पास मार्क आपको थर्टी दिया जाता है यहाँ पे सेक्शन आप देख सकते हो पहले चार मार्क के दो मार्क के दो के क्वेश्चन आएंगे उसके बाद देखिए मार्क के पांच क्वेश्चन आएंगे दस मार्क तीन मार्क के तीन पांच क्वेश्चन आएंगे

तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बस पॉज करके दिखाऊंगा आप वीडियो अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर मतलब पॉज करके सारे क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स आता है चार मार्क का आप देख सकते हो तो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए एक बार उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं पे देखिए चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन जो है ये भी ट्रू और फॉल्स अभी देखिए ट्रू और फॉल्स आ गया है यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आपको अटेम्प्ट करना है उसके बाद देखिए यहाँ पे सीधा थ्योरी पे जम्प कर चुके हैं ठीक है दो मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल ठीक है प्रैक्टिकल अभी शुरू हो चुका है प्रैक्टिकल सम्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं इसके साथ थ्योरी भी दिया गया है यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस थ्योरी है आप इनको पॉज करके सब दो मार्क के क्वेश्चन है आप इनको पॉज करके लिख लीजिए ठीक है उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है तो यहाँ पे देखिए ये सम दिया गया है ठीक है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो आपको कैलकुलेट करना है बहुत बड़ा सम है इसके साथ और भी दिया गया है ठीक है कॉम्पेटिव स्टेटमेंट आपको डिफाइन करना है कॉन्टीजेंट तो लाइबिलिटीज़ और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट मेथर वैल्यूएशन ऑफ गुड विल ठीक है सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से लिख लीजिए ठीक है यहाँ पे देखिए ये भी तीन माह का क्वेश्चन दिया गया इसे भी कैलकुलेट करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पे देखिए थ्योरी भी दिया गया है इसके साथ यहाँ पे और दिया गया है ठीक है क्वेश्चन के साथ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है आपको उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से साम दिया गया है ठीक है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाना है क्या है सारे सारे देखिए बहुत सारे एंट्रीज यहाँ पे दिए गए हैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कॉमर्स है वो तो इजीली समझ जाएंगे ये चीज़ें ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए और इसके साथ और भी दिया गया है ठीक है ये भी आपको बनाना पड़ेगा उसके बाद देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनाना है इसके साथ सम भी दिया गया है कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको यहाँ पे दे दिया गया आप देख सकते हो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए फिगर भी आप नोट डाउन कर लीजिए और घर पर प्रैक्टिस कीजिए ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किया था टू वन यहाँ पे रेशियो दिया गया है ठीक है यहाँ पे प्रोफिटिबिलिटी रेशियो इसके साथ और मैं आपको एक चीज बता दू हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपका थ्योरी जरूर होगा ठीक है एक रूल होता है कि हर सम के साथ एक थ्योरी जरूर दिया जाता है ठीक है तो अगर आपको सम नहीं आता तो आप थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे अगर आपको थ्योरी नहीं आता तो आपको सम अटेम्प्ट करना होगा ठीक है पे 15, यहाँ पे देखिए देखिए फिर से सम दिया गया है ठीक है पार्टनरशिप दिया गया था यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं काफी सारे यहाँ देखिए एडिशनल डिटेल्स भी दिया गया है ठीक है थीके? यहाँ यह चीजें आपको एडजस्ट करनी होंगी और जनरल एंट्रीज पास करनी ठीक है ये चीजें एवोड कीजिए मैंने सम जब मैंने ट्वेल्थ का फाइनल एग्जाम दे रहा था तब मेरे को राफ कहीं पे करने का मौका नहीं मिला तो मैंने पे करना शुरू कर दिया था ठीक है लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा ठीक है क्वेश्चन पेपर पर राफ करना सही नहीं है ठीक है तो यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप पार्टनरशिपन फोर प्रिंसिपल्स उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन दिया गया इसके साथ और दिया गया है ठीक है आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए प्रिपेयर डिसीड पार्टनर अकाउंट आपको निकालना है ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉलोइंग एडजस्टमेंट भी काफी सारे दे दिया हैं आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से थ्योरी दे दिया गया है थ्योरी के साथ आपको फिर से जो है प्रैक्टिकल दे दिया गया है यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट दिया गया है आपको यहाँ पे डिसोल्यूशन अकाउंट आपको निकालना है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज आपको देनी है टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फार्म और यहाँ पे देखिए फिर से थ्योरी दे दिया गया है ठीक है यहाँ पे इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा ये मैंने फाइनल के टाइम पे काफी ज़्यादा वो कर लिया था ठीक है बेसिकली उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से देखिए क्वेश्चन दिया गया है उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से ट्रायल बैलेंस दे दिया गया है यहाँ पे देखिए पूरा ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पे दे देते तो हैं ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बेसिकली बैस, जब मैंने एंट्री दिया था तो कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो पहले ही आपको आइडेंटिफाई कर लेना होता है वरना बाद में आपको दिक्कत होगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने ये किया हुआ था उसके बाद देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए गए हैं बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आपको हैं ये सारी चीज़ें आपको माइनस प्लस सब कुछ करना होगा ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए शेयर्स पे आ चुका इक्विटी शेयर्स का क्वेश्चन आया था ठीक है यहाँ पे देखिए तो ये वाला क्वेश्चन आया था ठीक है इसके साथ और भी दिया जाता है थ्योरी भी अटेम्प्ट अटैम्प्टअप कर सकते हो यहाँ पे देखिए फिर से रिडीमेबल प्रेफरेंस डिवेंचर्स का क्वेश्चन था यहाँ पे इसके साथ भी और दिया हुआ रहता है ठीक है आठ मार्क का क्वेश्चन आता है और उसके बाद देखिए फाइनली यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन आ जाता है एंड ऑल यहाँ पे देखिए फिर से बैलेंस शीट दे दिया गया है यहां पर और उसके साथ साथ और भी दिया जाता है ठीक है यहाँ पे और देकर ये भी क्वेश्चन दिया गया था ठीक है तो ये रहा फाइनली क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया और पीछे देख सकते हो अब कितने ज्यादा मैंने बाप रे बाप इतने सम्स किए थे सोचिए कितना प्रेशर था हमारे ऊपर जब हम अकाउंट्स का पेपर दे रहे थे अब मैं आपको मार्क्स बता देता हूँ मुझे एट्टी मिला था अकाउंट्स में ठीक है मुझे लेटर मिल गया था तो बहुत खुश था मैं ठीक है क्योंकि मैं अकाउंट्स में उतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर भी मुझे लेटर मिल गया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ठीक है तो आपको वीडियो पसंद आया वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इफॉर्मेटिव वीडियो के साथ